तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सेकंड लिस्ट में इस बार कुछ विधायकों की छुट्टी भी हो गई है। सबको चौंकाने वाला नाम मैहर का है। टाई तो किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी तो किसी को मायूस होना पड़ा। ऐसे तीन नाम रहे जिसे पार्टी ने दोबारा मौका नहीं दिया। मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल के टिकट काटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना केंद्रीय नेतृत्व सोच समझकर जो पार्टी हित में और देश हित में प्रदेश हित में होता वही करते हैं, और जो निर्णय हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने डिक्लेयर किए सब जीतेंगे, जो हारी हुई सीट भी जीतेंगे। मैहर से नारायण त्रिपाठी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इस बार श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया, जो 2018 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके। उस वक्त नारायण त्रिपाठी 2500 वोट से हारे। इस बार पार्टी ने चेहरा ही बदल दिया। इसी तरह सीधी से मौजूदा विधायक केदार शुक्ल पेशाब कांड को लेकर विवादों में फंस गए थे, इसलिए चेहरा बदल दिया। नरसिंहपुर से जालम सिंह का टिकट काट कर प्रहलाद पटेल को आगे किया गया। पार्टी ने सर्वे में ये पाया कि बीजेपी के लिए ये कमजोर सीट है, इसलिए मजबूत दावेदार को उतारा जाए। नारायण त्रिपाठी जी भाजपा के उन कद्दावर नेताओं में रहे जिन्होंने भाजपा को पार्टी में रहकर आईना दिखाया है, तो उनका टिकट कटना ही था। भाजपा में वो ही व्यक्ति रह सकता है जो शरीर में कुर्ता पजामा और भगवा दुपट्टा डालकर सड़कों में घूमता रहे। टिकट को लेकर बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो 2023 के चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है कि पार्टी ने बहुत सोच समझकर दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।